हेलो गाइस, यू वाचिंग ऑन माय चैनल रजनीकांत डैमरस चौधरी एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे। एंड आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट नाउ इट्स 9:30 जिस टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा, रात के 9:30 बजे मैं मतलब ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आई जस्ट रियलाइज ये पूरे दिन मैंने कुछ ब्लॉग नहीं कर रहा और अगले दिन का मतलब ब्लॉग होता नहीं है, तो मुझे ब्लॉग क्रिएट करना पड़ता है एट एनी कॉस्ट। या मतलब आजकल मुझे बताया गया हाउ हार्ड आई एम वर्किंग ईच एंड एवरी टाइम नो मैटर वट द सिचुएशन इज, मुझे मेरी चीज़ें पता है, बट ठीक है कर लेंगे, अच्छे से हैंडल कर लूँगा। मुझे पता है इतना कि चाहे कुछ भी मैं हैंडल तो कर ही लेता हूँ अच्छे से, गॉड ग्रेस ग्रेटिट्यूड। तो अभी क्या कहते हैं, डिनर का टाइम हो रहा है भाई। मैं दाल और तोरी दाल तोरी खिचड़ी तीन चीज़ों से मैं थक चुका हूँ। दोनों टाइम दिन के वही खाना मिलता है, या तो तोरी या दाल या खिचड़ी, तोरी दाल खिचड़ी, वो भी इतनी कम मसाले नमक की, बोल के मेरे तो मन कच्चा सा हो गया। खैर कोई नहीं, आज मैंने साफ बोल रहा मैं इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ खाऊंगा, क्योंकि भाई एक तो डॉक्टर ने सारी चीज़ें बंद कर रखी है, कुछ खा नहीं सकता, इतना धूप, ऊपर से वो इतनी कड़वी कड़वी दवाइयाँ। खैर कोई नहीं, बिल्कुल भी अब कुछ नहीं बोलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड होपफुली डिनर में कुछ अच्छा अच्छा खाते हैं। सो अभी मैं कर रहा हूँ डिनर एंड लिटरली आई एम फेड अप ऑफ हैविंग दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी। और आज मैं खा रहा हूँ क्या, पनीर भुर्जी, थोड़ी कम स्पाइसीज की है लेकिन ठीक है, पनीर भुर्जी थोड़ा सा चेंज वगैरह हो जाएगा टेस्ट में, टेस्ट बट मेरे थोड़े हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। तो अब खा लेते हैं पनीर भुर्जी, मतलब लंच कर रहा हूँ, डिनर कर लेते हैं, डिनर करने के बाद मिलते हैं। डन विद द डिनर गाइस, और डिनर करके मेरी एनर्जी फुल ऑन हाई हो चुकी है, क्योंकि आज डिनर में जैसे आप सबने देखा पनीर भुर्जी खाई मैंने, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इतने टाइम बाद कुछ ऐसे खाया ना, तो शायद इसलिए ज़्यादा अच्छा लगे, मेरे टेस्ट बट एकदम हैप्पी हैप्पी हुए। और अभी ना मैं तो ब्लॉग कर नहीं रहा आजकल, तो मेरे भाई ने ऐसे रेसिपी देख रहा था, शॉर्ट्स वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो उस पर रेसिपी पुलअप हुई है, पॉपअप हुई है उस पर रेसिपी, विच इज वोल्केनो सोडा, विच इज गोना नॉट ट्राई टूडे। तो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ साथ, मतलब वो तो बना ही रहा है, तो साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं बोल के ना सोडा रेसिपी। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। हम आ चुके हैं किचन में और मैं आज बनाने वाला हूँ वोल्केनो सोडा। चलिए 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 जल्दी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। ये है शुगर, और ये है नमक स्वाद अनुसार, और ये है पुदीना, और ये है नींबू, और ये है अदरक, और ये है हरी मिर्च, और ये है काला नमक, और ये है पानी, और ये है भुना हुआ जीरा। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिया है, और अब चलिए चलते हैं अपने मिक्सी में, इनको मिक्सी में कहाँ चलते हैं ग्राइंड करने, भाई ग्राइंड करने। ये हमारा आ चुका है पुदीना। मैं हेल्प करूँ या खुद कर लेगा? मैं खुद कर लूंगा भाई, पक्की बात है। तो फटाफट कर, इतना और टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी बनाए, हाथ तेजी से चलाए अपने। हरी मिर्च, हरी मिर्च, ये अदरक, अदरक, अदरक ज्यादा नहीं हो गया, अदरक बहुत हो गया, एक निकाल दे भाई, इतना अदरक। अब पुदीने के साथ तो बहुत नहीं, है। कोई नहीं, नहीं 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 भाई, बहुत अदरक, माना करें आप बच्चे हैं, हम बड़े हैं, हमें पता है कितना इस्तेमाल होना है। ये डाल सकता है थोड़ा सा रोस्टेड जीरा, रोस्टेड जीरा पाउडर थोड़ा सा और डाल, इससे फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। डन, अब इसके अंदर आप ऐड करें काला नमक, काला नमक, काला नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमें स्वाद अनुसार नमक भी डालना है, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर हम एक्स्ट्रा ही डालेंगे हर बार, क्योंकि मिर्ची बहुत ऐड कर दी है, चार हरी मिर्च ऐड करी इसने, लिटरली चार। बाकी और हम बाद में डालेंगे चीनी, बाद में मत, जो बाद में जब पेस्ट बन जाएगा उसके बाद भी डालनी होती है भाई। नहीं ऐसा मत कर, सारे सामान एक साथ डाल दे, उसने तो बाद में इसलिए डाल दिया, उसका चार्ज छोटा था हमारे पास, तो ठीक क्वांटिटी में जा। अब बहुत है मास चीनी, जब मिर्ची धुएं निकलेंगे ना कान से, जब पता लगेगी, बस बहुत है, बस स्वाद अनुसार नमक डाल तले, बस भाई बस। अब इस क्या बस भाई बस, पानी कौन डाले, और नींबू, नींबू पहले मैं छोड़ ले। हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वाटर, वो अपने शॉट में, शॉट ग्लास में। हमारा पेस्ट हो चुका है रेडी, और हम शॉट ग्लासेस में ऐड करेंगे इसको। सोडा तो ऐड कर लिया, हम अपना वॉल
शॉर्ट एंड करेंगे। अगर नहीं है वॉल्केनो की तरह नहीं हुआ ना भाई। कैसा आ गया बोल गया? अरे आ गया, अरे आ गया। चल भाई तेरी तेरी मेहनत देख, खुशी के मारे डांस कर रहा है, इसके बेचारे की मेहनत वसूल हो गई। पहली बार इसने ट्राई करा, नाइस ट्राई, जैसा मतलब आपने वीडियो में देखा था बिल्कुल सेम वैसा, बिल्कुल सेम वैसा। टेस्ट कर ले, चल तू ही पहले टेस्ट कर ले। नहीं नहीं तू करेगा, तेरी मेहनत है ना, तू ही कर ले, तू करेगा पहले, माना कर प्लीज। अरे यार प्लीज, कोई मेरी मतलब वो चीज है वो बोल रहा है, मतलब मेरी अप्रिशिएट। हां मेरे को अच्छा लगता है इसलिए, लेकिन इसलिए मैं तू पी, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, पहले तू पी ले, बाद में करूंगा, पक्का नहीं पक्का, मैं पीऊंगा ये देख। हां हां ये देखो, ये तो कोई और ही आ गया पीने, ना मैंने पिया ना उसने, पहला बाइट किसी और ने ही लिया। कैसा है? पागल ले ले ये एक ऐसे एक बार वो ये सोडा मत दे, ये महंगा है। एक काम नहीं, एक बार वो इसे पी ले, बोल कैनो सोडा प्लीज, अभी नहीं प्लीज वन से भाई यार देख, बोल कैनो सोडा एक से ऑन वीडियो से बोल कैनो सोडा पीला, रिव्यू देना है ऑन वीडियो, बोल कैनो सोडा पी ले। मैं अब अपने बोल कैनो सोडा को टेस्ट करने जल्दी कर ले, क्योंकि उसने रिव्यू बहुत खराब दिया तेरा। खराब तो क्या, मिर्ची बताई है, मिर्ची है, लेकिन हमारे तो दो शॉट्स भी रेडी हो गए, अब क्या करना है। एक आइडिया मेरे पास, पाउडर शुगर, पाउडर शुगर बना लेते हैं, सुनो, और इसमें से शॉट्स को थोड़ा कम कम कर देते हैं, इसके अंदर पाउडर शुगर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, इसके अंदर ऐड कर। अरे सुनो मैं बता रहा हूं, ग्लास में बना इसको डालने, मैंने इससे पहले ही बोला था मिर्ची कम ऐड कर, पहले ही बोला था मिर्ची कम ऐड कर। मैं गाइस वो कह रहा मिर्ची शुगर ऐड कर रहा था ना, लेकिन मैंने मिर्ची कम बोली थी, क्यों डाली फिर फालतू? चार तुमने निकाली थी ना, तीन बोली थी ना, निकाली थी ना चार, मैंने तीन बोली थी। चलिए अब दूसरा ग्लास रेडी करते हैं अपना। पहला ग्लास इतना अच्छा बना, उसके बाद अब दूसरे ग्लास की कोशिश, और अब के हमने पाउडर शुगर रेडी कर लिया, इसके अंदर सबसे पहले भाई हमने ऐड कर लिया है सोडा, अब इसके अंदर ऐड कर लिया पाउडर शुगर। भाई अब आ चुके भाई पाउडर शुगर, बस और मत डाल, और मत डाल, और मत डाल, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। क्या आपके होगा ये, क्या आपके वॉल्केनो फेल? मैंने कहा था पहले शुगर, शुगर ज़्यादा डाल दी तूने, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ब्रो शुगर मत डालो इतनी, इट्स फेल। अब टेस्ट कर गए थे कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, टेस्ट अच्छा हो, टेस्ट तो कर एक बार, चल अब इसको टेस्ट कर एक बार, रुक तो यार मिक्स तो कर दे यार तू, बस हो गया मिक्स, टेस्ट करके बता दे हम याला। ओके ये टेस्ट में अच्छा ना, मैंने पहले कहा था प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो टेस्ट अच्छा होगा, दोनों में से एक ही अच्छी चीज हुई, इधर से तो प्रेजेंटेशन अच्छी कर ले या टेस्ट अच्छा कर ले, एक बार टूट करके देख कितना मस्त है। तो जैसे अब के आपने देखा वॉल्केनो भाई हमारा पिछली बार की तरह से बस तो नहीं हुआ, लेकिन ये बोल रहा टेस्ट में अच्छा है, और अब के मैं टेस्ट करूँ एक बार, देखते पहले मैंने टेस्ट नहीं करा था, टेस्ट वाइज सही है, लेकिन मिर्ची मुझे अभी भी लग रही है तो मैं नहीं पीऊंगा, पता चला बाद में, पाउडर शुगर और गिर लेते हैं, मैं पी नहीं रहा भाई, बात पता चला बाद में नुकसान।